अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुद्धिस्ट सर्किट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जिस बुद्धिस्ट सर्किट के कारण आज भारत में न केवल भारत के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते हैं, बल्कि बौद्ध धर्म के मानने वाले विदेशों में रहने वाले, चाहे वो थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, या कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, लाखों की संख्या में हर साल आते हैं। और आपका ध्यान मैं उस बुद्धिस्ट सर्किट के कपिल वस्तु, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, सिद्धार्थ नगर, जो मेरा सौभाग्य कि मेरी लोकसभा भी है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब गौतम बुद्ध को आपके राज्य में बोधगया में उनको बोधिका सत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके 29 वर्ष तक उनको बाल्यकाल में वो राजा शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर थे। तो आज बोधगया आप जानते हैं कि लाखों पर्यटक आते हैं, सारनाथ आते हैं, कुशीनगर आते हैं, गौतम बुद्ध के जन्मस्थान कपिलवस्तु पे आते हैं, श्रावस्ती आते हैं। लेकिन हमारे इस कपिलवस्तु में सिद्धार्थनगर तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे जो एक आकांक्षा जनपद भी, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सिद्धार्थनगर के विकास के लिए नीति आयोग के माध्यम से उन्होंने जो एक ध्यान आकृष्ट किया उसमें 112 जनपद में, और आज विकास की दृष्टि से चल रहा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लाखों लोग आते हैं, जब वो गौतम बुद्ध की जन्मस्थान पर आते हैं तो एक विपासना केंद्र ना होने के कारण, क्योंकि बुद्ध के मानने वाले लोग जो करुणा, ममता, शांति, मैं एकदम कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं विषय से कहीं अलग नहीं जा रहा हूँ, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का जो पूरी दुनिया में संदेश दिया, आज अगर रूस की और यूक्रेन की लड़ाई होगी तो उस काल में 6 AD में उन्होंने कहा कि दुनिया का रास्ता हिंसा का नहीं, केवल अहिंसा का है। वो अहिंसा का संदेश गौतम बुद्ध ने दिया। प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पे कहते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने गौतम बुद्ध को दिया। तो ऐसे गौतम बुद्ध के जन्मस्थल पे विपासना केंद्र बने, आप एक निर्देश कर दें, जैसे पिंटू को संरक्षण दिया था ऐसे हमको भी संरक्षण दे दें कि एक विपासना केंद्र का निर्माण वहाँ हो जाए। राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है भारत के पर्यटन मंत्रालय को, बहुत प्रयास करके आपकी कृपा हो जाएगी, सरकार वहाँ पर विपासना केंद्र कर दे, लाखों लोग आएंगे। धन्यवाद।